नमस्कार दोस्त, मैं मुन्ना कुमार। मैं इस वीडियो में आपको कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में पूरा बढ़िया से बताऊंगा, और ये आता क्यों है और इससे नुकसान क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे। तो चलते हैं हम पहले कॉपीराइट क्लेम के बारे में। जैसे हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिसपे कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं। तो आखिर ये आता क्यों है? इसमें कारण ये है कि हम जैसे कोई भी आप देखते हैं, कोई रील्स बनाता है या कोई लॉन्ग वीडियो बनाता है, तो वीडियो में मान लीजिए हम कोई डांस कर रहे हैं या कोई कॉमेडी वगैरह बना रहे हैं, उसमें जो यूट्यूब पर पहले से अपलोड है कोई गाना अगर है, जैसे कोई भी उसका हम अपने डांस के दौरान या कोई कॉमेडी के दौरान अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी म्यूजिक हो अगर म्यूजिक का भी इस्तेमाल करते हैं जो पहले से ही अपलोड की जा चुकी है, और इस वीडियो को अगर मिक्स करके हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो इससे हमारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है। तो हालांकि इससे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और आता है, जैसे हम किसी और की वीडियो को अपलोड कर देते हैं, उसमें कुछ मिक्स भी करते हैं या मिक्स ना करके किसी का उठाकर ऐसे भी डाल देते हैं, वो भी कॉपीराइट क्लेम है। क्लेम है क्या? वो तुरंत आ जाता है, आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ ही जाएगा। अगर सोचते हैं कि हम जैसे दूसरे का गाना या दूसरे का वीडियो को लेकर के हम यूट्यूब पर अपलोड कर दें अपने चैनल के माध्यम से, तो इससे हमारे को नुकसान क्या है? अगर आप सोचते हैं कि इसे हम अपना व्यूज बढ़ाते हैं तो व्यूज तो आपका जो बढ़ना है बढ़ेगा, लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो ये है कि जैसे ही आपका समय बीतता जाएगा, मान लीजिए आप अपना वॉच टाइम पूरा कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो कॉपीराइट क्लेम जो है केवल क्लेम वाला वीडियो से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है, यूट्यूब आपको एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। कि मान लीजिए मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, आप किसी वीडियो को टाइटल देके या जो भी हो किसी भी तरीके से मेरे ही वीडियो पर अगर आप अपलोड कर देते हैं तो वीडियो तो चलेगा, लेकिन आपका जब मोनेटाइज होने का समय आएगा वो मोनेटाइज नहीं होगा। और एक बात और है, अगर कोई आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जैसे कोई वीडियो कोई व्यक्ति बना रहा है, अगर वो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप अपलोड कर रहे हैं, तो उसको अपलोड ना करके सेम टू सेम वीडियो उसकी जगह वही चीज़ें जो, जैसे कि आप मान लीजिए मैं वीडियो जो अभी बना रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो मेरा वीडियो अपलोड ना करके आप सेम टू सेम जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मेरा नकल करके आप खुद अपनी आवाज़ में बोल सकते हैं, इससे आपको आपके ऊपर ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा और ना ही कोई स्ट्राइक आएगा। तो इस तरीके से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ये बताना चाहूँगा कि आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो किसी का सेम टू सेम वीडियो को उठाकर यूट्यूब से आप अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा अपलोड ना करें, और अगर आपको किसी म्यूजिक का ज़रूरत पड़ता है किसी का, या कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं साउंड का इस्तेमाल करके, जैसे या किसी फिल्म का कोई आपको डायलॉग पसंद है और उसके ऊपर आप कॉमेडी जैसा कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि साउंड के अलावा जो भी मोमेंट है वीडियो में वो आप या आपकी जो टीम है वो उसके ऊपर एक्टिंग कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी वही एक्टिंग किया उसी किसी दूसरे दोस्त का वीडियो उठा के आप अपलोड कर दें, ये नहीं करना है। चलते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है और स्ट्राइक क्यों आता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक, मान लीजिए आप किसी वीडियो का को अपलोड किए हैं किसी दूसरे का वीडियो को, तो उस पर कॉपीराइट वो क्लेम तो आएगा ही आएगा। तो कॉपीराइट अगर आप यही हमेशा कर रहे हैं, किसी चैनल का वीडियो आप हमेशा अपलोड कर रहे हैं, तो वो कॉपीराइट आपके ऊपर स्ट्राइक मार सकता है। और वो स्ट्राइक क्यों मारता है, तो बात यह है कि मान लीजिए वो आपको तो पता ही है कि व्यूज के ऊपर पैसे बनते हैं, और आप उसका अगर वीडियो उठा के आप अपने चैनल पर डालते हैं तो धीरे धीरे जो आपके चैनल से जो व्यूज आ रहा है वो उसके चैनल पर भी आ सकता था, तो यानी उसके व्यूज के जो पैसे हैं वो आपको मिलने वाले हैं, जो आप व्यूज ले रहे हैं वो आपको मिलेंगे, इस वजह से वो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है। और आपको तो लगभग बहुत सारे YouTube पे ऐसे वीडियो मिलेंगे, उसमें आप पता होगा आपको कि 3 बार स्ट्राइक आ जाने की वजह से ये आपका चैनल बंद हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके ऊपर स्ट्राइक भी इतनी जल्दी नहीं आता है। स्ट्राइक कब आता है? जब आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला हो,
मतलब आप काफी लंबा संघर्ष करते करते आप जैसे ही करीब पहुंची आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, उस वक्त आपके ऊपर स्ट्राइक ज्यादातर लोग करते हैं अगर आपने गलत तरीके से वीडियो अपलोड किया हो या किसी का चुरा के आप वीडियो डाले हों, तब आपको काफी फील होगा। फील क्या होगा, आपके आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बारे में मैं जो बताया उतना काफ़ी होगा आपके लिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप ये सब चीज़ों से बचें। और जो मैं तो बोलता हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो सिर्फ आप अपना पर्सनल बनाइए। आप पर्सनल चोरी भी कीजिए तो किसी का वीडियो जो है उसका हूबहू आप नकल भी कीजिए, जो भी हो आप अपने साउंड में कीजिए, अपनी आवाज़ में कीजिए, अपना फेस लगाइए, दूसरे का करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी पहचान बनाइए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।